उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक न्यूज है जो सचिवालय और शासन के स्तर पर है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए लगे हुए हैं, बिल्कुल आप पूरे ऊर्जा के साथ लगे रहिए। कुछ हो सकता है कुछ हो, लेकिन उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। अभी एक दो दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो अभी की तत्कालिक एक बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आपको वास्तव में देखा जाए तो आपको अवसर नहीं मिलेगा आराम करने का। किसका अवसर नहीं मिलेगा? आराम करने का, यानी आपके पास पदों की भरमार होने जा रही है। और सचिवालय से एक जो लेटर जारी हुआ है जिसके तहत लगभग 750 पद के सचिवालय में खाली होने, रिक्त होने की सूचना लोक सेवा आयोग को दी गई है और इस अध्याचन को भी लोक सेवा आयोग के पास प्रेषित किया गया है। जैसा कि अभी पिछले आए हुए पदों के संबंध में ये जानकारियां दी गई थी कि अभी जो क्वालिफिकेशन को लेकर के, जो अर्हता को लेकर के जो विवाद चल रहा था, उस विवाद का भी निस्तारण लगभग हो गया है। तो हो सकता है कि मई महीने के लास्ट में या मई महीने में या जून महीने में आपके सचिवालय अर्थात RO से वैकेंसी रिलीज हो जाए, मतलब आपके पद ये लोक सेवा आयोग से घोषित हो जाएं। मित्रों, पद बहुत खाली हैं, बस शासन के स्तर पर उसको अध्याचित करके लोक सेवा आयोग उसकी समय से परीक्षा करवा ले और समय से परिणाम घोषित कर दिए जाएं। तो हमारे युवाओं के लिए फिर क्या पूछना है, खुशी ही खुशी है, अर्थात उनकी बल्ले ही बल्ले है। तो पर्याप्त पद हैं। ये तो केवल मैं सचिवालय की बात बता रहा हूँ। सचिवालय से जो अभी लेटर जारी हुआ है, उस लेटर के संबंध में अगर हम देखें तो समीक्षा अधिकारी के कुल 2029 पद हैं सचिवालय में, शासन में 2029 पद केवल सचिवालय में हैं। इसके अलावा जो लोक सेवा आयोग RO की भर्ती करता है, वो लोक सेवा आयोग में भी सचिवालय में, लोक सेवा आयोग में भी समीक्षा अधिकारी के पद होते हैं, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी होते हैं। तो वहाँ से भी पदों, रिक्त पदों पर भर्तियाँ की जाती हैं लोक सेवा आयोग के ही इसी परीक्षा में। तो मित्रों, ये एक बड़ी न्यूज है आपके लिए, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपकी परीक्षा जो UPPCS की होने जा रही है, वो आपके तैयारी का एक रूटीन रहेगा। अगर आप समीक्षा अधिकारी के लिए केंद्रित हैं तो समीक्षा अधिकारी के लिए एक तरीके से प्रैक्टिस होगी आपकी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार समीक्षा अधिकारी की पहले हो गई थी, उसके बाद PCS का हुआ था। इस बार PCS पहले हो जा रहा है, फिर समीक्षा अधिकारी का होगा। तो दोनों वैकेंसीज और दोनों के परीक्षाओं में कुछ अंतराल रहेगा, तो आपके पास एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कितने पानी में हैं, अपने आप को आप आंक लेंगे और उसी के सापेक्ष फिर आप क्या करेंगे, आने वाली जो वैकेंसी है आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके लिए फिर आपको पूरी जी जान से लग जाना है। तो पद शीघ्र घोषित होंगे और इसके लिए लगातार स्वयं शासन स्तर पर भी कार्य बाधित हो रहा है। यही नहीं, लोक सेवा आयोग में भी कार्य बाधित हो रहा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग में भी समीक्षा अधिकारी की संख्या कम है और अतिरिक्त कार्यभार से हमारे ये अधिकारी, समीक्षा अधिकारी कार्य संचालन कर रहे हैं। कई कई विभागों के कार्य इनके ऊपर हैं। तो ये बड़ी, अगर देखा जाए शासन के स्तर पर या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी लोक सेवा आयोग के स्तर पर, ये दोनों की अपनी कमियां हैं। और इन पदों को शीघ्र भरा जाए जिससे कि हमारे रोजगार प्राप्त करने वाले जो हमारे हैं युवा और उत्तर प्रदेश की जो तकदीर आप लोग हैं, आप लोगों को शीघ्र शासन में और प्रशासन में आने का आपको अवसर प्राप्त हो। तो मित्रों, उम्मीद यही की जा रही है कि इन रिक्त पदों पर शीघ्र ही इस अध्याचन को मूर्त रूप दिया जाएगा और इनको ओपन किया जाएगा, जिससे कि समीक्षा अधिकारी की वैकेंसीज जो आपके लिए चिर प्रचित रही है, बहुत दिनों से आप इसके इंतजार में बैठे हुए हैं, शीघ्र ही आपके इंतजार का फल, जानते हैं मीठा ही होता है, तो इंतजार का ये फल मीठा हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाते रहें, बिना किसी विलंब के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी वहाँ पोह के कि होगा कि नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहें। एक दो दिन में सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी। तो अब आपके लिए कुछ और वैकेंसीज हैं, उसको भी हम समय पर आपको जानकारी देंगे। जैसे खंड शिक्षा अधिकारी है, कितने पद हैं उनके बारे में भी आपको शीघ्र ही जानकारी दी जाएगी। ठीक है, शीघ्र ही आपको जानकारी दी जाएगी। एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, उसके भी पद आ गए हैं कमीशन में
और इसकी भी आपको एक एथेंटिक जानकारी शीघ्र दी जाएगी, लेकिन अभी तो आप देख ही रहे हैं, पिछली बार भी हमने इसको आपको बताया था कि हाँ शीघ्र ही वैकेंसी आर ओ सचिवालय सेवा से आपकी आ रही हैं। तो मित्रों आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बस आप अपनी अपनी संघर्ष, अपने मेहनत, अपने परिश्रम की जो लय है उसको रुकने मत दीजिए, बस उसको आगे बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अपने को इतना स्ट्रांग कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए, कोई भी परीक्षा हो उस परीक्षा में आप 80% और 90% का स्कोर करके ही आएँ, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है प्रीलिम्स में भी, और यही हाल आपका मेंस में भी होगा। तो बस उसी अपने इच्छा शक्ति को बनाए रखिए, अपने परिश्रम को बनाए रखिए, और बस शीघ्र ही आने वाली वैकेंसीज के लिए भी आप तैयार रहिए। पहले उसके PCS दे लीजिए, फिर समीक्षा अधिकारी पर लगिए। तो लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिना किसी बाधा के आप पढ़ते रहिए। बस करंट अफेयर्स और रिवीजन, इस समय अब आपका क्या चलना चाहिए टॉपिक वाइज, आपका जो विगत सालों के प्रश्न हो उनको आप रिवीजन करते रहें, करंट अफेयर पर आप विशेष ध्यान दीजिए। आपकी अपनी रणनीति होनी चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए, कितना समय आप करंट अफेयर्स पर दें और कितना समय आप अपने रिवीजन वाले प्रश्नों पर दें। ठीक है, टॉपिक वाइज रिवीजन, जैसे मान लिया आपने रख लिया कि आप 4 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे, 3 घंटा पॉलिटी पढ़ेंगे, 2 घंटा साइंस पढ़ेंगे, तो उनके आप रिवीजन टॉपिक वाइज प्रश्नों को फटाफट, जो प्रश्न आपके आ रहे हैं उनको आप छोड़ दें, जो नहीं आ रहे उनको तुरंत गोला कर दीजिए और तुरंत आगे बढ़िए, उनको एक बार फिर से आप एग्जाम के समय फिर 1-2 दिन पहले आप उनका रिवीजन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो एक फास्ट रिवीजन आपका होता चलेगा और बेहतरीन आपके साथ हो जाएगा, लेकिन उस PCS के पश्चात तत्काल आपको अब समीक्षा अधिकारी के लिए तैयार होना होगा। तो मित्रों तो ये है आज के शासन की महत्वपूर्ण न्यूज रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज रही है, और इस ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत इन 229 पदों के सापेक्ष रिक्त 37% पदों में 750 रिक्त हुए पदों के अध्याचन पर काम शुरू हो गया है, जो शीघ्र ही आपके सामने कुछ ही दिनों में ओपन होगी। तो निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद होगा, क्योंकि हमने देखा कितना कहा गया है, कितनी दर्द भरी बातें